अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू थर्ड ट्यूटोरियल ऑफ कैनवा फुल कोर्स। आज मैं आप लोगों को ये वाला व्हाट्सएप स्टेटस बनाना सिखाऊंगा। पहले आप इसे ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सर्च बार में लिखना है canva.com और इंटर कर देना है, जिस पर यह स्क्रीन आपको नज़र आएगी। अगर अकाउंट नहीं बना तो आपने साइनअप के बटन पर क्लिक करना है, तो गेट स्टार्टेड विद कैनवा की ये विंडो आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर आप साइनअप विद गूगल भी कर सकते हैं, साइनअप विद फेसबुक भी कर सकते हैं। साइनअप विद गूगल के साथ मैं क्लिक करता हूँ, तो आपने अपने गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको ये विंडो नज़र आएगी। चलिए मैं पर्सनल पर क्लिक कर देता हूँ, फिर आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी। यहाँ पर मे बी लेटर पर क्लिक कर दें एंड दैट्स इट, अकाउंट बन चुका है। अगर हम कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वो हम इस सर्च बॉक्स में लिखेंगे। सर्च करने के बाद चलिए इसको क्लिक करते हैं, तो आपके सामने एक कैनवस ओपन हो जाएगा और साइड पर देखें तो बहुत से डिज़ाइंस दिए गए हैं। आप यहां से जो आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ये डिज़ाइन पसंद है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपके कैनवस में वही डिज़ाइन नमूदार हो जाएगा। इसके अलावा आप अपनी प्रोफाइल में रहते हुए होम के टैब में आएं और सोशल मीडिया पर क्लिक करके यहाँ से भी व्हाट्सएप स्टेटस का डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नाजरीन, यहाँ पर आप इन डिज़ाइन एलिमेंट्स को अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं। मैं सबसे पहले इस टाइटल को थोड़ा छोटा करता हूँ और इसकी मतलूबा जगह पर एडजस्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं नीचे दिए गए इस एलिमेंट की कॉपी करता हूँ। यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि आप माउस से कॉपी तो कर सकते हैं लेकिन पेस्ट नहीं कर सकते। पेस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल वी का यूज़ करना पड़ेगा। कंट्रोल वी के साथ मैंने पेस्ट कर दिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस डिज़ाइन की कॉपी हो चुकी है। चलिए हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। मैं इसको नीचे दिए गए डिज़ाइन से मुखालिफ सिमत में थोड़ा रोटेट करता हूँ और इसके बाद इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ कि मैंने ऊपर वाला डिज़ाइन जो है उसको सेट कर लिया है। अगर आप लोग इस डिज़ाइन एलिमेंट के बैकग्राउंड को चेंज करना चाहें तो इसके किसी भी बाहरी किनारे पर क्लिक करें। कैनवस के ऊपर एक कलर बॉक्स नज़र आएगा, जहां से आप लोग इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे दिए गए एलिमेंट को भी थोड़ा इन्हेंस करता हूँ और इसको भी इसकी मतलूबा जगह पर एडजस्ट कर देता हूँ। इसका रोटेट थोड़ा ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। और अब बारी आती है इसमें डेटा फिल करने की। मैंने सूरह कौसर की आयात और उसके तर्जमा को कॉपी करके ब्राउज़र में ही ओपन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर पहली दो आयात को कॉपी करता हूँ और इस येलो बॉक्स में लाकर पेस्ट कर देता हूँ। याद रहे कि कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करना है। इसके अलावा अगर मैं इसका टेक्स्ट साइज़ बढ़ाना चाहूँ, प्लस और माइनस के बटन से फॉन्ट साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आई थिंक दिस फॉन्ट साइज़ इज़ फिट टू इट। चलिए अब पहली दो आयात का तर्जमा कॉपी करके ले आते हैं। इसके बाद इस रेड बॉक्स में इसको पेस्ट करते हैं और अगर इसका साइज़ बढ़ाना चाहें तो इस प्लस के बटन से दोबारा बढ़ा सकते हैं। व्यूअर्स, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली कि अरबी और उर्दू के अल्फाज का स्टाइल यानी कि फ़ॉन्ट अच्छे नहीं लग रहे और हम लोग कैनवा के फ्री अकाउंट में उर्दू फॉन्ट को इंस्टॉल भी नहीं कर सकते। इसके लिए या तो फिर आप कैनवा के पेड अकाउंट को ख़रीद लें या फिर मेरे पास एक ऐसा लाहे अमल यानी जुगाड़ है जिससे आप किसी भी लैंग्वेज की फ़ॉन्ट, वो चाहे अरबी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश या फिर दूसरी किसी भी लैंग्वेज की फ़ॉन्ट हो, आप कैनवा डिज़ाइन में इजीली यूज़ कर पाएंगे। इसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल या नीचे डिस्क्रिप्शन से एक लिंक मिल जाएगा, तो आप लोगों ने उस वीडियो को जाकर लाजमी से देखना है। और जैसा कि इस डिज़ाइन में उर्दू फॉन्ट लगी हैं, इसी तरह की फ़ॉन्ट भी आप फ्री में लगा पाएंगे। तो चलिए नाजरीन, अब अपने डिज़ाइन को कम्प्लीट करते हैं। इसके लिए मैं पूरे कैनवस को डुप्लीकेट कर लेता हूं और सूरह कौसर की आखिरी आयत को कॉपी कर लेता हूं। इसको यहां पर पेस्ट करें और इसके बाद इसके तर्जमे को कॉपी कर लें और नीचे दिए गए बॉक्स में इसके तर्जमे को पेस्ट कर दें। यहां पर मैं इसकी फॉन्ट वगैरह को चेंज नहीं करूंगा। तो चलिए नाजरीन, अब यहाँ पर हम कुर्बानी का बकरा लेकर आते हैं। मैं इस फ्लावर एलिमेंट को डिलीट कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पर दिए गए अपलोड पर क्लिक, उसके बाद अपलोड मीडिया पर क्लिक और ड्राइव पर क्लिक, जिस पर मेरी डेस्कटॉप ओपन हो चुकी है। और नाजरीन, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका फ़ोटो एलिमेंट आपकी प्रोफाइल में हमेशा के लिए अपलोड हो जाएगा। चलिए इसको अपलोड करने का एक और आसान तरीका बता देता हूँ कि आपने अपने मतलूबा फ़ोटो को ड्रैग करते हुए अपने कैनवस पर ड्रॉप कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और बकरा अपलोड हो चुका है,
तो मैं पिछले बकरे को डिलीट कर देता हूँ। इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करें और ट्रैश पर क्लिक कर दें। अगर आप अपलोड हुई इमेज को कैनवस पर यूज़ करना चाहें तो जस्ट उस पर क्लिक कर दें, जिससे वो इमेज आपके कैनवस पर जाहिर हो जाएगी। चलिए मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ और मैं इसका रुख मोड़ना चाहता हूँ, तो ऊपर दिए गए फ्लिप के बटन पर फ्लिप हॉरिजेंटल कर देता हूँ। इसके बाद इसकी मतलूबा जगह पर इसको प्लेस कर देता हूँ और अब नीचे जाता हूँ और उसके भी फ्लावर वाले डिज़ाइन को डिलीट करता हूँ। इसके बाद इसी मेल गोट को कॉपी करके उस कैनवस पर पेस्ट कर देता हूँ, जिससे इसका साइज़ और लोकेशन ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। ओके व्यूवर्स, अब मैं इन कैनवस या स्लाइड्स की टाइमिंग सेट करना सिखाता हूँ। इसके लिए आपने कैनवस का जो हिस्सा फ्री हो उस पर क्लिक कर देना है, यानी कि आपका कैनवस सेलेक्ट हो जाए तो आपको कैनवस के ऊपर ये क्लॉक जाहिर हो जाएगी, जहाँ से आप इसकी टाइमिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। इसके अलावा कैनवस पर मौजूद तमाम एलिमेंट्स पर एनिमेशन वगैरह भी यहीं से लगाते हैं। जैसा कि आप साथ वाले फीचर में देख सकते हैं कि एनिमेशन का नाम लिखा है, आप इस पर क्लिक करके डिफरेंट किस्म की एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक एक करके तमाम एनिमेशन आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पर एक ज़रूरी बात बता देता हूँ कि एनिमेशन की पहली तीन लाइनें छोड़कर चौथी लाइन पर जो ख़ास किस्म का सिंबल लगा है वो ये जाहिर करता है कि ये एनिमेशन फ्री नहीं हैं, तो आपने ऊपर दी गई एनिमेशन को ही अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आप लोग पूरे कैनवस का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें तो उसी तरह कैनवस के एक साइड पर क्लिक करें, जिससे कैनवस सेलेक्ट हो जाएगा और ऊपर दिए गए कलर बॉक्स से आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने कलर चेंज नहीं करना तो मैं दोबारा वही कलर अप्लाई कर देता हूँ। व्यूअर्स, चलिए अब मैं आप लोगों को ऑडियो सेट करना सिखाता हूँ। इसके लिए जब आप लोग मोर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑडियो का ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा। इस पर क्लिक कर दें और अपनी ऑडियो की फ़ाइल ड्रैग करते हुए यहाँ पर लाकर ड्रॉप कर दें। अगर आप डायरेक्टली भी लाकर ड्रॉप कर देंगे तो फिर भी वो फाइल इसी सेक्शन में आकर अपलोड होगी। अपलोड होने के बाद आपने उस ऑडियो फाइल पर क्लिक करना है, जिससे वो ऑडियो फाइल आपके डिज़ाइन एलिमेंट में शामिल हो जाएगी। इसके बाद नए जाहिर होने वाले इस बटन पर क्लिक करें और ऊपर दी गई ऑडियो बार से अपनी ऑडियो को एडजस्ट कर लें। यहाँ पर एक ज़रूरी बात बता दूं कि आपने अपनी स्लाइड्स की ड्यूरेशन के हवाले से, यानी कि टाइमिंग के हवाले से इसको एडजस्ट करना है। इसके बाद ऊपर दिए गए इस बटन से आप अपने डिज़ाइन को प्ले करके देख सकते हैं और साथ में दिए गए डाउनलोड के बटन से इस डिज़ाइन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के लिहाज से भी मैं आपको बताता चलूं कि आप अपने डिज़ाइन एलिमेंट्स को PNG, JPEG, PDF, PDF फॉर्मेट और वीडियो की सूरत में डाउनलोड कर सकते हैं। हमने ये एक वीडियो बनाई है तो वीडियो को सिलेक्ट रहने देते हैं और डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही व्यूअर्स, डाउनलोड का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं इसे आप लोगों को आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।